शिमला की यार यही बात मुझको सबसे खस्ता लगती है कि यहाँ पे बाइक तक पहुँचने से पहले 10 या 15 मिनट की हाइक करनी पड़ती है। ये देखो सैडल बैग्स, और अभी जाना है ऊपर कम से कम 100 सीढ़ियाँ और चढ़नी। चलो अब राइड पे निकल रहे हैं तो ये सहना पड़ेगा थोड़ा। गुड मॉर्निंग जी। सो हर किसी राइडर का यार ड्रीम होता है लेह लद्दाख जाना, जैसे कि मेरा था बहुत पहले से, आप सभी का होगा आई एम श्योर, मनी का है, मेरा तो है, एक गौरव का दूरी भी रहेगी, मेरा भी है, इसका भी है, सभी लोगों का ड्रीम होता है यार लेह लद्दाख राइड करना। और हम नहीं चाह रहे थे कि यार ये ड्रीम जो है ना ड्रीम बनकर ही रह जाए, हम एग्जीक्यूट करना पसंद करते हैं चीज़ों को रैदर देन मेकिंग इट अ ड्रीम। तो लुक व्हाट, आज अपनी राइड के लिए फाइनली बहुत सारी चीज़ें बीच में आई यार, मेरी राइड कैंसिल हुई, उसके बाद गौरव ने ज्वाइन करना चाहा तो गौरव ज्वाइन कर रहा है अपनी इस लेह लद्दाख राइड को अपनी BMW में। मनी ने ज्वाइन करने का कोई भी मतलब इसका चांस नहीं था बिकॉज ये उड़ीसा में था। मैं उड़ीसा में था, बैंगलोर में था, मैं ये बैंगलोर में था, और हमने जस्ट ये अपना छोटे भाई की तरह यार, तो हमने इसको बोला कि यार अगर चलना है तो इससे अच्छा मौका कोई हो नहीं सकता बॉस। सो इसने अपनी ट्रेन करवाई और सही लग रहे हैं यार, और ये काफी अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ, और ये कल जो है वो शिमला पहुंच गया और अभी हम निकलने वाले हैं मनाली की तरफ, जो कि बहुत अच्छी राइड होने वाली है। आई होप सो आज बहुत अच्छी राइड होने वाली है। तो आज का जो डिस्टेंस होने वाला है ना वो रब रखा 200-250 किलोमीटर का डिस्टेंस होने वाला है, और अप्रोक्सीमेटली 6-7 घंटे अपने को लगने वाले। और अभी टाइम 9:47 मतलब कि 10 बजने वाले। क्या करते हैं BMW को निकालते हैं, BMW का टॉप बॉक्स लग गया है पीछे अभी, और अपनी हिमालयन जो है वो फुली, पीछे देख रहे हो तुम, फुली लोडेड है, बहुत ज्यादा भारी हो गई यार मेरी हिमालयन। हाँ, तो ये देखो राइनॉक्स के दोनों तरफ सैडल बैग्स लग गए, और ऊपर भी इसमें एक पूरा बैग है, और अगर मैं इसकी बाइक दिखाऊँ ना बहुत अच्छी लगी है ये वाली बाइक। इसने टॉप बॉक्स लगा दिया है, और इसके ऊपर एक बैग है, और इसने ऑक्सिलरी लाइट्स लगवा दी है। तो यार ऑक्सिलरी लाइट्स लगवाने का ना ये फ़ायदा बहुत है कि यार जब भी राइड में राइड करेंगे तो मैं इसके पीछे रह सकता हूँ, बिकॉज हिमालयन की जो ऑक्सिलरी लाइट है वो थोड़ी सी आई वुड से बेकार सी है, मतलब कि मज़ा नहीं आता उसमें, दिखता कुछ नहीं है आगे। सो यार अभी निकलते हैं राइड की तरफ, मल्टीपल शॉट्स मिलेंगे, एक इसके हेलमेट से मिलेगा गौरव के हेलमेट से, और एक मेरे हेलमेट से जो सामने वाला है मोटो व्लॉगिंग का। तो अभी चलते हैं और आप लोग एंजॉय करो इस सीरीज को यार, होपफुली। चलो भाई, ओ बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है यार, इसको संभालना। अपनी ड्रीम राइड को पूरा करने के लिए फुली तैयार BMW एंड हिमालयन। और तुझे एक चीज़ याद रखनी है कि SJKM है, लेने हैं शॉट्स ताकि अपनी ऑडियंस को भी मज़ा आए। क्या बोलता है, बोलो जय अम्बे मात की जय, लेट्स गो। ओके जी, सो भट्टा कुफर से निकल रहे हैं पहली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है मनाली। और हम जो रूट लेने वाले हैं आज राइड का, वो होने वाला है यहाँ से दारला घाट से बरमाना से सुंदरनगर, वहाँ से मंडी, कुल्लू और मनाली। और मनाली में आज अपना जो है स्टे होने वाला है। ओ, सबसे पहली चीज़ अपने को क्या करनी है ना, फ्यूल अप करना है, क्योंकि आज अगर फ्यूल अप करेंगे तो इजीली मनाली तक तो पहुँच ही जाएंगे। वो फुल कर देना आंटी जी, ये अपने साथ नहीं, इनसे पूछ लेना। लद्दाख एंटर करने के लिए जो SOP थी उसमें मैंने पढ़ा था कि यार आपको सेकंड डोज
को लिए हुए 15 दिन होने चाहिए, अदरवाइज वो फुली वैक्सीनेटेड नहीं माना जाएगा। गौरव ने चंडीगढ़ से ही RT-PCR करवा लिया था, मैं फुली वैक्सीनेटेड हूँ विद 15 डेज। सो अभी हम सोच रहे हैं कि यार IGMC जाते हैं, 5-10 मिनट लगेंगे RT-PCR करवाने में, अपने को कोई रिस्क नहीं लेने का यार, बिकॉज दारचा और सारचू से हम वापस नहीं आने वाले। क्यों नहीं? बिल्कुल भी नहीं यार, फिर तो बहुत दिमाग खराब हो जाएगा। इसी एक बार हो चुका है ना आपने साथ, ऐसा हो चुका है तो इसलिए हमने सोचा कि अभी आधा घंटा भी लग जाए यहाँ पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि अपने पास टाइम की कोई कमी नहीं है। तो संजौली चौक पहुँच गए हम, यहाँ से अपने को लेना है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो पुराना बस स्टैंड होके जाना पड़ेगा, जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। ये लक्कड़ बाज़ार वाले में रश नहीं होता है, और साथ में IGMC भी बीच में मिलता है, तो IGMC होकर ही जाना है अपने को। डन। मतलब 10 से 15 मिनट लगे यार अपने को यहाँ पे RT-PCR करने में। इसका थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा हुआ, जब मैंने करवाया था ना तो बिल्कुल ईजिली हो गया था, ज़्यादा कुछ खांसी वांसी नहीं आई थी। अभी तो बदला निकाला है किस जनक का नहीं पता। कितने टाइम आएगी रिपोर्ट? रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। कल शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, कल शाम को नहीं आज शाम को ही आ जाएगी। मेरी 12 आवर्स से पहले आ गई थी। तो चलो यार, ये चीज़ तो डन है, अभी जल्दी जल्दी से निकलते हैं राइड पे। वैसे ही 11 बज चुके हैं यहाँ पे। तो यार बादल आने लग गए हैं वापस से, और मौसम ख़राब हो रहा है, और हर शाम को यहाँ पे बारिश हो रही है शिमला में और मनाली में, और 11 तारीख तक रेड अलर्ट है हिमाचल में बारिश के लिए। तो हम नहीं चाह रहे कि हम भीगे, इवन दो अपने पास रेन कवर्स हैं सारे के सारे। तो यार ये वाला बैग जो है ना बार बार निकल रहा है। ये दो सैडल बैग्स तो सही लगे हैं, बिल्कुल परफेक्ट। इसके ऊपर मनी आराम से एकदम गद्दा बनाए ये तो तेरे लिए। और ये वाला बैग मनी का ये बार बार निकल रहा था, तो अभी फुली टाइट है, ऊपर ट्राइपॉड रख दिया हमने, अब होपफुली नहीं निकलेगा। और ये यहाँ पर आराम कर रहा है, तेरे मज़े हैं। और इसके ऊपर देखो SJ Cam है, तो ये अच्छे अच्छे शॉट्स लेगा। अब निकले भाई, बहुत टाइम हो गया अपने को शिमला में। यार ये सारी चीज़ें हैं जो राइड में आती ही आती है, जिसकी वजह से जो है आपका टाइम जो निकलने का होता है ना वो हमेशा लेट होते हो आप। हाँ अभी तो बाहर नहीं निकले शिमला सिटी से, अब फट करके निकलते हैं, वरना आज शिमला में ही रह जाएंगे। ऊपर ही है ना। सो यार फाइनली सिटी के ट्रैफिक से तो निकल गए, अब यहाँ से आगे अपने को ट्रैफिक कहीं नहीं मिलने वाला सुंदरनगर तक, और अब मज़ा आएगा राइड करने में। ये देखो ये थोड़ा सा तंग रूट है, ये 5-6 किलोमीटर तक ना ऐसा ही रोड है, बिल्कुल तंग, और यहाँ से सिर्फ एक बस ही आ सकती है। भाई साहब जी हम नाली के आलू। ओ भाई छूते छूते गई है वो बस। बाइक में ना यार काफ़ी ज़्यादा वजन है, और वो एक्सीलरेशन से आप सभी लोगों को पता चल ही रहा होगा, नॉर्मल से ज़्यादा एक्सीलरेशन देना पड़ रहा है, बिकॉज इतना सामान मैंने आज तक कभी भी इस बाइक में लोड नहीं किया। और सामने देखो यार मौसम ख़राब होने लग गया है मनी, यार सामने देख मौसम ना ख़राब होने लग गया है। और ये देखो यहाँ पे नीचे रेन कवर, अपने पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी यार घने घने बादल आ रहे हैं, अपने को थोड़ा स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। अब ये वही है ना कालका शिमला वाली? हाँ ये कालका शिमला रेलवे है, ये है जतोग रेलवे स्टेशन। अबे यार अब यहाँ पे किस चीज़ का ट्रैफिक है यार, मुझे तो लगा था ये वाला रास्ता तो बिल्कुल खाली होता था सुनसान, लेकिन आज तो इसमें भी ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। हे भोले थोड़ा सा ट्रैफिक कम करवा दे प्लीज।
हमें चेज करने की कोशिश कर रही है। वो देखो उधर उस पार्ट में देखो यार, बहुत भयानक बारिश आ रही है यार, इसी तरफ को आ रही है यार ये। हेलो जी, सो देखते ही देखते हम दारला घाट भी पहुंच गए और दारला घाट जो है वो फेम, चल मेरी जान, पता नहीं क्या मूर्ख इंसान है। ये है दारला घाट का छोटा सा बाजार और दारला घाट फेमस है यार यहाँ की सीमेंट फैक्ट्री के लिए। इधर अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री है, ये देखो यहाँ पे अंबुजा सीमेंट वेलकम्स यू। ऊपर को यहाँ पे फैक्ट्री है काफी बड़ी, नेशनल हाईवे। लेकिन अभी गौरव ने बताया कि ये वाला जो रास्ता है नवगांव 2 किलोमीटर, तो ये वाला शॉर्टकट है, आई गेस 10-15 किलोमीटर शॉर्ट है। तो हम इसको ट्राई कर रहे हैं, सिंगल लेन है बट यहाँ पे अपने को ट्रक नहीं मिलेंगे जैसे कि उस रास्ते में मिलते हैं अभी 5-10 किलोमीटर तक, ट्रक ही ट्रक। गौरी का बोल रहा था कि ये रोड तो बहुत अच्छा है, ये देखो यहाँ पे स्लश ही स्लश है। ओ भाई साहब, बंद है क्या? नहीं नहीं, नीचे से जाना है, लैंडस्लाइड हो रखा है यहाँ पे। लैंडस्लाइड हुआ है क्या? शाबाश, जितना जल्दी हम पहुंचते हैं ना वहां से निकाल लो, निकाल लो, निकल जाएगी, निकल जाएगी, निकाल लो, निकल जाएगी क्या? निकल जाएगी। ये नया पुल बन रहा है शायद, है ना? वो क्या बोलते हैं आपका, वो आराम से थोड़ा कॉर्नर से चल। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे तो निकल लेगी। आ आ आ आ आ आ आ निकल गई। बरमाना में और ऊपर से बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। घागस, तो हम पहुंच चुके हैं घागस। हाँ आगे बीते हैं यहाँ पे, हो रहा जी। सो घागस पहुंच गए यार, यहाँ से 158 किलोमीटर है मनाली, 4 hours 39 minutes। तो यार 2:16 हो रहे हैं और एक चीज़ जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई वो है कि यार मेरी तबीयत जो है ना वो 2-3 दिन पहले ही बहुत खस्ता हालत हो गई थी मेरी, कोल्ड फीवर, और अभी आवाज़ से भी पता लग रहा होगा कि यार मेरी आवाज़ काफ़ी बैठी बैठी सी है। लेकिन फिर भी यार ये राइड हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और इसको कैंसिल मैं दोबारा से यार नहीं कर सकता था। तो मैंने क्या सोचा ना यार कि चलते चलते अपनी हेल्थ का ध्यान रखूँगा, थोड़ा सा फीवर है, थोड़ी सी टायर्डनेस है आई वुड से, लेकिन कर देंगे, लेह लद्दाख है तो बस करना है अपने को। टूट पड़ो मेरे साथियों, अगर ट्रिप में मैगी ना हो और मैगी के बिना कोई ट्रिप हो, ऐसा क्या हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और मेरी मैगी कहाँ है? आपकी मैगी वही, ठीक है यार। पता नहीं क्यों यार इस टाइम ना, मतलब कि 12 बजे के बाद मेरे को ना, अगर फीवर हो किसी को भी तो पता होगा जब शाम होती है ना तो तबीयत ख़राब होने लगती है, तो वैसा ही कुछ मैं फील कर रहा हूँ अभी। तीसरी भी आ गई भाई, आ गई ना, आ गई ना, देख रहे हो भैया? कैमरा हटाना, क्या कैमरा हटाना? ये देखो, ये इसको सिर्फ एक काम आता है, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज डालना, क्योंकि यार वहाँ पे एंगेज अच्छे से हो जा रही है मेरी ऑडियंस। ओ ठीक है, अब यूट्यूब पे लाने के लिए बहुत टाइम लग रहा है मेरे को। मेहनत मेहनत, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, और एक मेरी तरह कुछ नहीं कुछ नहीं, एंजॉय एंजॉय, ये राज है सक्सेस का। मेहनत, प्रतिष्ठा, अनुशासन और क्या, और मनी। सही, खा लेते आराम से। मैं कैसी है भैया? अच्छी है, बहुत मस्त। थम्स अप।
मैगी मिल जाए राइड के बीच में और चाय, जो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है उस चीज का यार। लेट्स गो पूरी बाइक गीली हो गई है यार, अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। और ये बहुत प्यारा लग रहा है यार, ये वाला स्टिकर। ओके चलते हैं अब यार। लाइट जलती है उसमें, देख लिया कर, रेड लाइट जलती है उसमें। चल चले गौरव। लेट्स गो। ओम नमः शिवाय। आराम से चलियो ठीक है, क्योंकि स्किटों से होने का डर है, तो स्पीड कम रखियो ठीक है, अच्छे से मेंटेन करियो। चल आजा, चढ़ जा गौरव। कुछ देर तक BMW मनी चला रहा है और गौरी पिलियन है मेरे पीछे, और एक इतना ज्यादा वजन है इसका। चले मैं तो भाई आराम आराम से चलता हूँ, बहुत मुझसे ज्यादा आराम से कोई नहीं चलता। उठा ले मेरे को, नहीं रे इन दोनों को उठा ले। ये देख लो बारिश हो रही है, अभी भी धीमी धीमी है बट हो रही है। तो हमने फिर से बारिश में चकमा दे दिया। नहीं अब चकमा नहीं दिया, बारिश ने हमें चकमा दे दिया और वापस आ गई। धीरे धीरे हो रही है, काफी हो रही है, लेकिन मेरा कैमरा गीला होने के लिए परफेक्ट बारिश है, तो मैं कैमरा थोड़ा सा निकाल लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो यार उस एडवेंचरस भरे रोड पर हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पे काम चल रहा है काफी ज्यादा, और देख ही पा रहे होंगे यार स्लश बहुत ज्यादा है यहाँ पे। पिछली बार जब हम यहाँ पे आए थे ना तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, आज फिर भी कंपेयर करूँ तो यार बहुत कम ट्रैफिक है। और नीचे व्यास रिवर बहुत प्यारी लग रही है किनारे किनारे में। चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, वो देखो वो संगम है, ऊपर से एक रिवर आ रही है और एक यहाँ से आ रही है, और ये मिलकर व्यास रिवर में जा रही है। शुक्र है आज ट्रैफिक नहीं है, ना कोई लैंडस्लाइड है, सब कुछ ठीक है अभी, बट धूल से तो छुटकारा पाना मुश्किल है। और राइडर्स बहुत सारे राइडर्स देखे मैंने आज आते हुए। ट्रैफिक किस चीज़ का है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आराम आराम से निकलना पड़ेगा, यहाँ पे खड्डे भी बहुत ज़्यादा है और बाइक में लोड भी बहुत है, और पीछे मनी भी बैठा है। यहाँ से नीचे देखो तुम, यहाँ से नीचे देख मनी भैया, ये ऊंचा कर दिया ना इन्हें। हाँ ओके, ये देखो यार ये भी लैंडस्लाइड आया था ये। ओ बॉय, यहाँ पे रुकना ना खतरे से खाली नहीं है, इतने बड़े बड़े पत्थर, और ये ऐसे पत्थर है जो कि बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा बारिश हुई नहीं सारे के सारे पत्थर नीचे, डेंजरस है बॉस। ओह ओह देखियो यार लगेज ना लगे। सब सही, आवाज किस चीज की आ रही है? हमें कुछ ज्यादा ही एडवेंचर करना था ना रात को, तो ये लो हद से ज्यादा स्लैशी स्लैश बॉस। अरे रे 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 आया, ओ मागो टूरू एडवेंचर, ज्यादा ही एडवेंचर हो रहा है कुछ रात को। हो बहुत ही बेकार रोड, पर फिर भी हम डटकर इसका मुकाबला कर रहे हैं। डटकर तो क्या अब करना ही पड़ रहा है। ये किस चीज का ऑफिस बन गया इस खंडर में, यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है। ओ रुक 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 रुक,
अबे रुक रुक रुक, बहुत भैया ब्रेक मत दबाना। हाँ हाँ हाँ, पैरों की जो हालत है ना अभी। पार्टीजन, देखो तीन चार चीजों का कॉम्बिनेशन है अभी। धूल स्लैश मुंह में धूल, लाइट कमजोर और इतना ज्यादा ही एडवेंचर हो गया। ये काफी मस्त एडवेंचर है। ओके जी, सो अभी शाम के क्या रात के 11 बज रहे हैं और अब जाकर हम अभी अपने रूम में पहुँचे हैं। काफ़ी ज़्यादा देर हो गई, डिनर करने बैठे थे हम। और लाइट देखो तुम, मैं किस चीज़ की मार रहा हूँ, ये चेक करो और अपना रूम चेक करो एक बार। और ये देखो शूज़ के हाल देख लो। और हम बेसिकली वहीं रह रहे हैं जहाँ पे कुछ दिनों पहले हम वर्केशन पे आए थे। यहाँ पे वर्केशन पे नहीं आए थे, वर्केशन पे आए थे और हिमांशु के पास रह रहे हैं बेसिकली। तो अभी अंधेरा है, पूरे मज़े कर रहे हैं ये कॉमन एरिया में पीछे। अभी फ्रेश होते हैं बॉस और कल की तैयारी जो है बहुत अच्छे से करनी है अपने को, क्योंकि कल निकलने वाले हैं मनाली से सारचू की तरफ और मन नहीं करेगा यार इस प्रॉपर्टी को छोड़ने का। तो अभी फ्रेश हो लेते हैं पहली चीज़ तो यार, क्योंकि पैंट्स की हालत देखो तुम, ये चेक करो और इनको देखो, यहाँ पे इनकी हालत देखो। बट एक चीज़ तो बोलनी पड़ेगी यार, ये होटल जो है ना, अब मतलब जब भी हम आएंगे तो मैक्सिमम अपने को पसंद है। ये कॉमन एरिया है, कॉमन बालकनी है, बहुत बड़ी बालकनी है। जो बंदे हैं मतलब कि जो ओनर है इसका, मतलब जिसने लीज पे लिया है, हिमांशु, बहुत अच्छा है, अच्छे से ट्रीट करता है अपने को भी, मजा आता है। वो पता ही होगी हाँ। ये कैसे मिला था हमें वो मैं कल सुबह बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि ये व्लॉग जो है ना बहुत लंबा बन गया है। यहाँ ये मालिक बहुत अच्छा था, बात भाई। करते हैं कल करते हैं बात भैया, होपफुली बहुत लंबा व्लॉग, आप सभी बहुत लंबा व्लॉग, सही में माइट मैंने ये दो पार्ट में ना डाला हूँ, मुझे नहीं पता। सो होपफुली आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा। किसी भी वजह से ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। कल निकलेंगे बहुत ही एडवेंचरस जर्नी पे, टिल देन लाइक करके जाना सारी वीडियोस को और शेयर करना बहुत ज़रूरी है इस लद्दाख सीरीज को। मिलते हैं, बी डिफरेंट, बी यूनिक, बी डिफरेंट, बी यूनिक, लिव योर ड्रीम इंशाल्लाह। बाय बाय, विल सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। वी आर रेडी टू रोल लद्दाख। आज अपनी लद्दाख की ड्रीम राइड, सपना आज कंप्लीट होगा अपना। यहाँ पे देख रहे हो ऊपर बर्फ ही बर्फ है और ये सारे के सारे पत्थर ऊपर से ही गिरे हैं और बहुत ज़्यादा ठंडे आ रहे हैं यहाँ पे। जल्दी निकलते जल्दी, और मुझे लग रहा है कि आज पूरे दिन यहाँ पे बर्फबारी होने वाली है।